गर्मा गर्म चाय भी मिल रही है। लोग चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। हाँ तो भाई साहब चाय कितने की है ये? 10 रुपये की। देखिए भाई साहब मसालेदार चाय है यार। कैसी है भाई साहब चाय? बहुत अच्छी है भैया चाय एकदम। शानदार है। थकान उतर जाए शरीर के ऐसी चाय। अच्छा बहुत बढ़िया बढ़िया चाय है। दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका मेला। आप देखिए उसके मेले के अंदर कितनी भीड़ लग रही है और बाहर से कितने लोग आ रहे हैं ओमिक्रॉन के चलते हुए भी। देखिए आप ओमिक्रॉन के चलते हुए भी इतनी काफ़ी भीड़ हो रही है। लोग बाहर से आ रहे हैं। रेगुलर काम चल रहा है। देखिए आप ठेले वगैरह लगे हुए हैं। हाँ सर्दी को देखते हुए लोग कम है बाकी। आप देखिए बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे कमाते हैं। ख्वाजा की नगरी में सबका पेट बढ़ता है। दिखाने हैं होटल्स वगैरह। शॉल बेचने वाले बैठे हुए हैं। देखे शॉल है जूते हैं टोपी है चूड़ियाँ हैं आपको तो मिल जाएगा। गर्मा गर्म चाय भी मिल रही है। लोग चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। हाँ तो भाई साहब चाय कितने की है ये? 10 रुपये की। देखिए भाई साहब मसालेदार चाय है यार। कैसी है भाई साहब चाय? बहुत अच्छी है भैया चाय एकदम। शानदार है। थकान उतर जाए शरीर के ऐसी चाय। अच्छा बहुत बढ़िया बढ़िया चाय है। ये कुछ खिलौने की दुकानें हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी ये आप देखिए आपको खिलौनों की दुकानें ज़्यादा मिलेंगी क्योंकि बच्चे भी खूब आते हैं छोटे छोटे बच्चे। एक वृद्ध महिला जो ठेला बेचती है। देखिए दोस्तों ये कुछ कुर्ते पजामों की दुकान है कपड़ों की दुकान है। और ये होटल्स है। काफ़ी छोटी छोटी दुकानें मिल जाएगी। आगे फूलों की दुकान है आप फूल वगैरह ले सकते हैं परचेज कर सकते हैं फूल। ये देखिए आप तो पूरा उसका नज़ारा दिखा रहे हैं जिसको आइए फोटो खिंचाना है ना। देख रहे हैं भीड़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। ये तरह तरह के टोपियाँ वगैरह तो देखिए पहन के मौका।
तो ये देखिए और भी कुछ दुकान है, कंजेस्टेड एरिया है, लेकिन खाने पीने से संबंधित सब चीज़ें मिलेगी आपको। समोसे, कचौड़ी और बिल्कुल छोटी गलियों में ये दूध बन रहा है सर्दी के मौसम में, शिकर में दूध लीजिए और आपको छोटी छोटी दुकानें मिल जाएगी। ये देखिए अंदर रेस्टोरेंट है, खाने पीने से संबंधित सारे चाय की दुकान है, इत्र की दुकान है, ये देखिए आप बहुत पुरानी दुकान है।